हे गाइस, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं हिंदी टेक एचडी। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि शाओमी पोको X3 और रियलमी 7 प्रो में कौन बेस्ट है, और साथ ही देखेंगे कि फोन के कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बॉडी, फीचर्स, कम्युनिकेशन, चिप्स और प्राइस में कौन विनर है, और आखिर में मैं बताऊंगी कि मेरे अकॉर्डिंग कौन विनर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस कंपैरिजन में सबसे पहले बात करेंगे कैमरा की। स्टार्ट करते हैं रियर कैमरा से। X7 आता है क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और यही बात करें 7 प्रो की, तो वो भी आता है क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें मिलता है 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो यहाँ विनर है X3। और सेल्फी कैमरा में X3 आता है 20 मेगापिक्सल के वाइड कैमरा के साथ, और 7 प्रो आता है 32 मेगापिक्सल के वाइड कैमरा के साथ। तो यहाँ विनर है 7 प्रो। बात करते हैं कैमरा फीचर्स की। तो दोनों ही डिवाइस में मिलता है आपको LED फ्लैश, HDR और पेनोरामा। तो यहाँ होता है टाई। चलिए अब बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। X3 रिकॉर्ड करता है 4K वीडियो 30 FPS पे और 1080p वीडियो 30, 60 और 120 FPS पे ज़ायरो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, इसलिए यहाँ विनर है 7 प्रो। चलिए अब बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस की। स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। दोनों ही डिवाइस में आपको मिलता है एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट, तो इसलिए यहाँ है टाई। बात करते हैं यूजर इंटरफेस के बारे में। X3 में आपको मिलता है MIUI 12 और 7 प्रो में आपको मिलता है Realme UI। तो यहाँ पे मैं करती हूँ टाई, क्योंकि ये आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सा UI पसंद है। चलिए अब बात करते हैं फोन के प्रोसेसर की। यहाँ X3 आता है Snapdragon 732G प्रोसेसर के साथ और 7 Pro आता है Snapdragon 720G प्रोसेसर के साथ। तो यहाँ विनर है X3, क्योंकि ये देगा आपको बेटर परफॉर्मेंस। और अब बारी है GPU चिप्स की। दोनों ही डिवाइस आते हैं Adreno 618 GPU के साथ, इसलिए यहाँ है टाई। बात करते हैं क्लॉक स्पीड की। यहाँ X3 क्लॉक करता है 2.3 GHz पे बेस्ड ऑन ऑक्टाकोर क्रायो 470 गोल्ड, और 7 Pro भी क्लॉक करता है 2.3 GHz पे बेस्ड ऑन ऑक्टाकोर क्रायो 465 गोल्ड। तो यहाँ है टाई, क्योंकि दोनों ही डिवाइस की क्लॉक स्पीड सेम है। अब बात करते हैं रैम की। X3 में मिलता है 6GB रैम और 7 Pro में आपको मिलता है 6 और 8GB रैम ऑप्शन। ज्यादा रैम ऑप्शंस होने के रीजन से यहाँ विनर है 7 Pro। और अब बात करते हैं इंटरनल स्टोरेज की। दोनों ही डिवाइस में आपको मिलता है 64 और 128GB की इंटरनल स्टोरेज, इसलिए यहाँ होता है टाई। और यही बात करें एक्सटर्नल स्टोरेज की, तो X3 आता है माइक्रो SDXC शेयर्ड सिम स्लॉट के साथ और 7 प्रो आता है माइक्रो SDXC डेडिकेटेड स्लॉट के साथ। तो यहाँ विनर है 7 प्रो, क्योंकि इसमें आपको मिलती है डेडिकेटेड स्लॉट। तो चलिए अब बात करते हैं डिस्प्ले की। स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले साइज से। X3 आता है 6.67 इंचेस की डिस्प्ले के साथ और 7 प्रो आता है 6.44 इंचेस की डिस्प्ले के साथ। तो यहाँ क्लियर विनर है X3। चलिए अब बात करते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशो की। X3 में ये रेशो है 84.6% का और 7 प्रो में ये रेशो है 82.7% का। तो ज्यादा रेशो होने के रीजन से यहाँ विनर है X3। और अब बात करते हैं डिस्प्ले रेजोल्यूशन की। दोनों ही डिवाइस आते हैं फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ, तो यहाँ होता है टाई। और अब बात करते हैं डिस्प्ले टाइप की। X3 में आपको मिलता है IPS LCD HDR 10 डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ और 7 प्रो में आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो यहाँ विनर है X3, क्योंकि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको देगा बेटर एक्सपीरियंस। अब बारी है फोन के बॉडी की। स्टार्ट करते हैं थिकनेस से। X3 की थिकनेस है 9.4 mm और 7 प्रो की थिकनेस है 8.7 mm। तो यहाँ विनर है 7 प्रो। बात करते हैं वेट की। तो X3 का वेट है 215 ग्राम्स और 7 प्रो का वेट है 182 ग्राम्स। तो यहाँ विनर है 7 प्रो। बात करते हैं प्रोटेक्टिव ग्लास की। तो X3 में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और 7 प्रो में आपको मिलती है गोरिल्ला ग्लास 3 प्लस की प्रोटेक्शन। तो यहाँ विनर है X3। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। X3 आता है प्लास्टिक बैक और एल्युमिनियम फ्रेम के साथ और 7 प्रो आता है ग्लास बैक और प्लास्टिक फ्रेम के साथ। तो स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी होने के रीजन से यहाँ विनर है X3। बात करते हैं फोन के सिम की। दोनों ही डिवाइस में आपको मिलते हैं ड्यूअल नैनो सिम स्लॉट, तो यहाँ पे है टाई। आगे बढ़ते हैं फोन के फीचर्स की तरफ। स्टार्ट करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर से। X3 में आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और 7 प्रो में आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर।
अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने के रीजन से यहाँ विनर है 7 प्रो। और अब बात करते हैं फोन में मिलने वाले सेंसर्स की। तो दोनों ही फोन में आपको मिलते हैं एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी एंड कंपास। तो यहाँ पे है टाई। अब बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी की। X3 में है 5160 mAh की बैटरी और 7 प्रो में है 4500 mAh की बैटरी। तो यहाँ विनर है X3। चलिए अब बात करते हैं चार्जिंग स्पीड की। X3 आता है 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ और 7 प्रो आता है 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो नो डाउट 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ यहाँ विनर होता है 7 प्रो। बात करते हैं लाउड स्पीकर्स की। दोनों ही डिवाइस में आपको मिलते हैं स्टीरियो स्पीकर्स, इसलिए यहाँ होता है टाई। और अगर बात करें फोन के हेडफोन जैक की, तो दोनों ही डिवाइस में आपको मिलते हैं 3.5 mm के हेडफोन जैक, इसलिए यहाँ भी होता है टाई। बात करते हैं फोन के कम्युनिकेशन चिप्स की। स्टार्ट करते हैं वायरलेस लैन से। दोनों ही डिवाइस में आपको मिलते हैं ड्यूअल बैंड वाईफाई, वाईफाई डायरेक्ट एंड हॉटस्पॉट। तो यहाँ है टाई। चलिए अब बात करते हैं ब्लूटूथ की। दोनों ही डिवाइस में आपको मिलते हैं 5.1 जनरेशन का ब्लूटूथ। तो यहाँ है टाई। अब बात करते हैं जीपीयू चिप्स की। X7 में आपको मिलेगा AGPS, GLONASS और BDS और 7 प्रो में आपको मिलेगा AGPS, GLONASS, BDS और NAVIC। तो एक्स्ट्रा चिप्स होने के रीजन से यहाँ विनर है 7 प्रो। चलिए अब बात करते हैं USB की। दोनों ही डिवाइस में आपको मिलता है सेकंड जनरेशन के टाइप सी रिवर्सिबल कनेक्टर USB OTG के साथ। तो यहाँ पे होता है टाई। और अब आखिर में बात करते हैं दोनों फोन के प्राइसेस के बारे में। इंटरनेशनल मार्केट में दोनों ही डिवाइस का प्राइस स्टार्ट होता है $250 से और इंडियन मार्केट में X3 का प्राइस स्टार्ट होता है 18,000 रुपीज से और 7 प्रो का प्राइस स्टार्ट होता है 20,000 रुपीज से। तो अब आखिर में बारी है इस वीडियो के कंक्लूजन की। यहाँ कैमरा में विनर है 7 प्रो, परफॉर्मेंस में विनर है 7 प्रो, डिस्प्ले में विनर है X3, बॉडी सेगमेंट में है टाई, फीचर्स में विनर है 7 प्रो, कम्युनिकेशंस में विनर है 7 प्रो और प्राइजेस में भी विनर है 7 प्रो। तो अब डिसीजन आपका है कि आपको कौन सा डिवाइस पसंद है और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा डिवाइस बेटर लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे तो हमारे हिंदी टेक HD पेज को ज़रूर लाइक करें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी ID है स्क्रीन पे। मैं हूँ अंजलि और मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।